नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिला के कर्पूरी चौक से। आपको बता दें कि बड़े आयोजन के तहत बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के आह्वान पर जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति बाल विवाह के तहत एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 641 किलोमीटर लंबा जो श्रृंखला है वो किया गया है। और खासकर आपको बता दें कि 545 साइट लाइन पर बनाई गई मानव श्रृंखला ये बड़ा विशाल वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जानकारी आपको दे दें कि शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आगे पूरा वीडियो देखिए, 10 मिनट का ये वीडियो कवरेज है जो कर्पूरी चौक का है और DMCH के आसपास का है। और आपको बता दें कि बिहार में जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के खिलाफ रविवार को विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाने में दरभंगा के लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। 23 लाख से अधिक लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर कुरीतियों के खिलाफ संदेश दिया। मानव श्रृंखला का मुख्य कार्यक्रम रहा शहर के ऐतिहासिक चौक कर्पूरी चौक पर। आपको बता दें यहां पर मेयर वैजयंती देवी खेरिया, नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, DM डॉक्टर त्यागराजम, SM SSP बाबूराम, नगर SP योगेंद्र कुमार, प्रशिक्षु IPS सैयद इमरान मशहूद, अधिकारियों की मौजूदगी में मानव श्रृंखला का विश्व रिकॉर्ड बनाने की हसरत इस तरह से पूरी हो गई। जोरदार प्रशासनिक कसरत के कारण सुबह ही भागीदार हाथ से हाथ मिलाने को तैयार थे, जो इसका गवाह बनने के लिए 12 बजे तक का इंतजार। आप कर्पूरी चौक से देख रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर यह मानव श्रृंखला का आयोजन। पूर्वाभ्यास भी 2 दिन पहले किया गया था और जब इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बारी आया तब लोग तैयार थे। सबसे बड़ी बात बता दें कि मंत्री से लेकर संतरी तक का कतार में दिखे तो सत्ता व विपक्ष एक साथ खड़ा था। स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। बिजोल में खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने भी लोगों का हाथ थामा, जल जीवन हरियाली का संदेश दिया। लोहिया चौक पर राजद विधायक डॉक्टर शहीद, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, डॉक्टर मुरारी मोहन झा, मीना देवी, लोजपा प्रदेश महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी, राम निवास प्रसाद, बेता में भाजपा महिला नेत्री धर्मशीला गुप्ता, सुनीता साहू, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूर्व विधान परिषद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, जदयू जिलाध्यक्ष प्रोफेसर अजय चौधरी, आयकर चौक पर एहसानुल हक डॉक्टर अनिल बिहारी, मधुबनी के जदयू प्रभारी अंजीत चौधरी, भाजपा के पूर्व लहरियासराय नगर अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी, मन्ना अंकुर गुप्ता, मुकुंद चौधरी, लवली झा, ओम प्रकाश सिंह, सुंदरलाल चौधरी, मोहम्मद तकबीम अहमद, डॉक्टर इस्मत जहां, अमित झा, शशि चंद्र पटेल, लोजपा जिलाध्यक्ष गगन कुमार झा, सुजीत मल्लिक, अबू शमा समेत भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही समेत तमाम प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी भी कतार में लगे रहे। मालूम हो कि 641 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, इसमें 23 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी थी। 96 किलोमीटर मुख्य मार्ग और 545 साइड लाइन पर बनाई गई मानव श्रृंखला में सड़कों पर 2 व 3 कतार में लोग खड़े थे। ये दरभंगा की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आप देखेंगे कि जो महिला है, जो नर्स थी, जो डॉक्टर की टीम थी, वो सभी DMCH के जो अधीक्षक हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए थे, नाका नंबर 6 पर, और सभी यहाँ पर मानव श्रृंखला में दिखे हैं। पूरा कवरेज जरूर देखिए भारत उदय समाचार का। स्कूल के बच्चे से लेकर के आम जनता से लेकर के जीविका महिलाएं से लेकर के और बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग आकर के मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं।
और जिस प्रकार के हम लोग ने अपेक्षा किया उस प्रकार की श्रृंखला उससे बेहतरीन श्रृंखला कार्यान्वयन हो रही है। जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में और नशा मुक्ति के पक्ष में बाल विवाह और प्रथा के खिलाफ जो इस मानव श्रृंखला का आयोजन की जा रही है, दिसंबर महीना से हम लोग जोर से तैयारी से लगे हुए थे, व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था, उसके अनुरूप आज देखने को मिल रहा है सभी जगह से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। कितने किलोमीटर का दायरा यह कवर कर रहा है सर दरभंगा, कितने लोगों की संख्या की उम्मीद है कि जुटे हैं? 468 किलोमीटर का श्रृंखला का निर्माण होना है और अभी आकलन की जा रही है कि कितने लोग आ रहे हैं, अब तो 11:30 बजा भी नहीं है, 11:30 से 12 बजे, 12 बजे के बाद हम लोग उसको आकलन करके सभी लोगों को सूचित कर देंगे कितने लोग आ रहे हैं। ठीक, बिहार में चुनाव की हाल फिलहाल से रखे है। हेलो हेलो यहाँ पर काफी लोग जमा हो गए हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कृपया जब इलेक्शन शुरू होगा तब इंकलाब करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो एक उत्तर के लोली मौका मिलेगा 2 महीना के बाद।
जब इलेक्शन शुरू होगा तब इंकलाब करना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। Gracias.